ब्रेकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप इसके राइडिंग मोड वगैरह टॉगल करके भी चलाओगे तो आपको ब्रेकिंग सेम देखने के लिए मिलने वाली है। चलो वीडियो बनाते हुए चल रहा हूँ ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत ब्लॉग। सामने खड़ी हुई KTM ड्यूक 390 जनरेशन 3 इलेक्ट्रिक ऑरेंज अपनी कलर में। तो आज की इस वीडियो का एजेंडा रहने वाला है, इस बाइक के अंदर तीन राइडिंग मोड्स आते हैं, स्ट्रीट, ट्रैक, रेन। तीनों के अंदर चला के दिखाऊंगा क्या फर्क होता है, कैसे आप टॉगल कर सकते हो, चलती बाइक पर टॉगल होते हैं नहीं होते, और कितना आपको नोटिसेबल पावर में डिफरेंस आता है। जो 45 BHP है वो कितने BHP कम करती है रेन पे या फिर ट्रैक मोड पे, क्या मतलब जो एग्रेशन लेवल है क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस मैं बाइक के गर्म होने का इंतजार कर रहा हूँ, अभी इसको राइडिंग मोड पर डाल देता हूँ मैं। ट्रैक पे से स्ट्रीट पे डाल लेते हैं, अभी स्ट्रीट एक अभी लो दिखा रहा है, पर ठीक है, RPM अभी इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं, हो गई है ठीक ठाक गर्म, चला सकते हैं बिल्कुल। अगर हीट होने का वेट करेंगे तो उसमें लगेगा टाइम। आगे चल रहा है भाई डुकासुर, चलो। तो भाई इसको लेके चलते हैं, सबसे पहले मैं चलाऊँगा इसको स्ट्रीट मोड पर जो कि। तो भाई देखो, जब मेरी वाली ड्यूक आई थी, जब मैं उसमें इनिशियल डेज पे वीडियो बनाता था, तो मैं उसमें क्या बोला करता था कि भैया हाथ छुड़ाती है, ऐसे झटका मारती है। इसके अंदर से वो चीज़ KTM ने खत्म कर दिया, अगर आप इसमें गलती से हार्ड रैप भी कर दोगे ना तो ये ऐसे देखो हाथ नहीं छुड़ाएगी, झटका नहीं मारेगी, तो वो एक चीज़ इसके अंदर बहुत बढ़िया है। और जब आपको पता ही है, अगर आप जोर से एक्सेलरेट कर रहे हो तो ऊपर के RPM पे आपको मस्त पावर मिलती है, वहाँ पे तो यूजुअली हर बंदे में कॉमन सेंस होता है कि हाँ भाई हैंडल टाइट पकड़ लो, पावर आने वाली है, तो वो एक चीज़ है, वो एक चीज़ इस बाइक का एक अच्छा USP है। और ये चीज़ भाई इसकी बहुत अच्छी हो गई है, मतलब आप ऐसे ट्रैफिक में इसको जिगजैग करके इतना मस्त निकाल सकते हो ना कहीं ये चीज़ इसमें ओल्ड ड्यूक से ज़्यादा अच्छी करी है। तो स्ट्रीट मोड पे चलाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, मैं तो यही बोलूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी बाइक को ना स्ट्रीट मोड पर ही चलाना। अब देखो, अगर मैं स्ट्रीट चलती हुई बाइक पर एक चीज़ चेक करता हूँ, क्या ये स्ट्रीट से रेन पर जाएगी रनिंग में, जैसे बाइक चल रही है। अब मैंने करा इसका मोटरसाइकिल स्ट्रीट, अब मैं डालता हूँ रेन पर, क्लोज थ्रॉटल आ गई। ये देखो भाई, यहाँ पे रेन मोड लिखा रहा है, आपको रेन मोड नज़र आ रहा होगा। भाई रेन मोड पे देखो, पावर में अगर फ़र्क की बात करी जाए तो रेन मोड पे बहुत डिफरेंस है पावर में। रेन मोड पे ना बाइक भागना नहीं चाह रही है, मतलब कि जो पावर एकदम एग्रेशन वाले लेवल से देती है ना, वो चीज़ नहीं हो रही है। जैसे मान लो 45 BHP की बाइक है, तो इसकी पावर इस टाइम पर मुझे लगता है ये एक ड्यूक 250 जैसा बिहेव करेगी, आपको लगभग 30-31 BHP देगी है। ये देखो, वरना जितना मैंने एक्सीलेटर मरोड़ा हुआ है ना, इतना एक्सीलेटर घुमाने पे तो 390 कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो रेन मोड उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया, अगर मान लो आप किसी बिगिनर बंदे को दे रहे हो, आप किसी अपने ऐसे फ्रेंड को दे रहे हो जिसने कभी पहले 390 वगैरह ज़्यादा चलाई नहीं है, फर्स्ट टाइम चला रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको ये वाला मोड लगा के दो। और साथ के साथ अगर आप चाहो ना तो स्पीड कंट्रोल भी लगा के दे सकते हो, जो इसके अंदर लिमिटर लग जाता है वो। तो उसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वगैरह भी डाल रखा है, इंस्टाग्राम पर भी डाला हुआ है, यूट्यूब पर भी डाला हुआ है, तो जाके सारे में फॉलो कर डालो। और भाई वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो, अगर आपको मज़ा आ रहा है वीडियोज़ में तो प्लीज़ लाइक करके जरूर जाना, और एक कॉमेंट जरूर करना अगर आपको इन वीडियोज में मजा आ रहा है तो। अब देखो, जैसे मैं इसको चला रहा हूँ रेन मोड में भी, तो रेन मोड में इनिशियली तो पावर काफी कम है, थ्रॉटल ज्यादा घुमाना पड़ रहा है, ये फील हो रहा है सबसे ज्यादा। तो मुझे ये जो पावर मुझे हल्का सा थ्रॉटल घुमाने पे मिल जानी चाहिए, वो पावर अब इसकी जो है वो पोस्टपोन कर दी गई है रेन मोड पे ECU के थ्रू। ECU भाई ने हमारे जब इसको रेन मोड पे डाला तो पावर को आगे पोस्टपोन कर दिया है। अब मैं डालता हूँ इसको भाई देखो ट्रैक मोड पे, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल मोड इसका माना जा रहा है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं ट्रैक मोड में और ये कौन सा मोड पर चला रहे हैं हम, रेन मोड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सॉरी स्ट्रीट मोड में और ट्रैक मोड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो चीज़ चेक करते हैं। तो ट्रैक मोड पे भी जहाँ तक है बाइक चलती बाइक में आप मोड यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैं चला रहा हूँ, बस थ्रॉटल छोड़ने के लिए कहती है बाइक, थ्रॉटल मैं पहले छोड़ देता हूँ। अब मैं जाता हूँ मोटरसाइकिल राइडिंग मोड, रेन, स्ट्रेट, ट्रैक, आ गई, एनिमेशन ही चेंज हो गया, उससे समझ में आ जाता है ट्रैक पर आ चुके हैं। देखो ट्रैक मोड पर, अब देखो मैं आपको एक डिफरेंस समझाता हूँ, आपको डिफरेंस कैसे पता चलेगा, नहीं चल रही है ना, झटके मार रही है, इट मीन्स जो एक ड्यूक का नेचर है, नेचर इन द सेंस ड्यूक का क्या नेचर हुआ करता था, ये स्टार्टिंग से ही पावर देती थी और पागलों की तरह पावर दिया करती थी, मतलब कि लो एंड टॉर्क पे भले ही इतनी अच्छी नहीं थी, बट एक जो इसका पावर डिलीवर था वो एक बहुत अमेजिंग हुआ करता था। तो वो काम ये मुझे ऐसा फील होता है कि ट्रैक मोड पे करती है, ट्रैक मोड पे जो इसका पावर डिलीवर करने का तरीका है ना वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है, ऐसा मेरे को पर्सनली फील होता है, ऐसा मैंने जब इसको चलाया था ना फर्स्ट टाइम तब भी मुझे लगा था। ये देखो ट्रैक मोड पे ज़्यादा तेज़ उठती है एज़ कम्पेरिजन टू स्ट्रीट मोड, उठती स्ट्रीट मोड पे भी बहुत अच्छा, आपको पावर लैग किसी भी तरीके का नहीं लगेगा। जैसे कि मैं ओल्ड ड्यूक चलाता हूँ तो मैं थोड़ा भाई इतने लंबे टाइम से ड्यूक चला के भी कंपैरिजन कर सकता हूँ, डिफरेंशिएट करके आपको बता सकता हूँ, तो वो एक चीज़ लगती है मुझे
कि मतलब ये ट्रैक मोड पे थोड़ा सा और क्विक उठती है एज़ कम्पेरिजन टू स्ट्रीट मोड। और ट्रैक मोड पे भाई देखो चेंजेस क्या आते हैं वो भी मैं बता देता हूँ, आपकी जो एनिमेशन है सबसे पहले ये चेंज हो जाती है, और अगर ट्रैक मोड डालोगे तो आप इसके अंदर लॉन्च कंट्रोल का मज़ा उठा सकते हो जो बाइक का खुलेगा 1000 किलोमीटर बाद। अब 1000 किलोमीटर बाद खुलेगा, फर्स्ट सर्विस के बाद खुलेगा, वो एक देखने वाली चीज़ है। जब आप इसको स्ट्रीट मोड पर लगा देते हो ना और जब आप अपने सेटिंग वाला बटन प्रेस करते हो तो सबसे ऊपर आपके ना लैप रिकॉर्ड दिखाने लगता है, ये लैप टाइमर जो है ना ये आने लग जाता है। वरना अगर आप इसको जैसे कि मैं स्ट्रीट मोड पर लगाऊंगा तो शायद से ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। लेट मी चेक, ऐसा मैंने एक बाइक में नोटिस करा तो था। अच्छा अभी वो लग गए स्ट्रीट मोड पर। देखो स्ट्रीट मोड खोलूँगा तो स्ट्रीट मोड खोलने पर ना जब मैंने स्ट्रीट मोड पे इसकी सेटिंग इनेबल करी है जैसे ही मैंने इसको खोला है तो डायरेक्टली मोटरसाइकिल पे ओपन हुआ है। बट अगर ट्रैक मोड पे खोलूँगा तो अब देखो लैप पे जा ही नहीं रहा है, सबसे ऊपर ये आ रहा है इस पर लैप पे जा ही नहीं रहा है, लैप पे जाएगा ये अपना ट्रैक मोड के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक चीज़ है। आपका भाई छोटी छोटी डिटेलिंग पर ज़्यादा ध्यान देता है, मुझे मज़ा आता है भाई चीज़ें नई नई रहती है ना उनको मतलब देखने में, एक्सप्लोर करने में। मेरे को थोड़ा पैशनेट हूँ मैं इन सारी चीज़ों के लिए, मुझे मज़ा आता है काम करने में। मैं भी अपने को आगे से लेफ्ट होना है तो अब देखो जैसे ट्रैक मोड पर अगर मैं इसको खोलूँगा सीधा लैप टाइमर खुलेगा जो अदर मोड्स पे नहीं खुलता है। यहाँ पे लैप वगैरह दिखेंगे अपने पुराने लैप जो, अगर वो डिलीट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको इसे ट्रैक मोड पे चलाओगे तो भाई ट्रैक मोड पे चलती है बहुत बढ़िया। अभी भाई अपनी न्यू बाइक है तो ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं जाऊँगा मैं, नॉर्मल 6th गियर में 80-100 तक चला लो कोई दिक्कत नहीं है। भाई बाइक भाग तो बहुत बढ़िया रही है। और एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ना कि नई वाली बाइक में KTM ने पावर बढ़ाई है तो इसकी जो पावर है वो ज़्यादा हो गई है, 2 BHP का डेफिनेटली इसके अंदर गेन जरूर आया है। बट अगर आप इसको ड्यूक से ओल्ड से कंपेरिजन करोगे भगा के देखोगे नेक टू नेक ही भागती है, पर इसके अंदर थोड़ी ट्यूनिंग चेंज करने से, ग्राफ चेंज करने से, इसकी जो पावर बैंड वगैरह उसमें चेंजेस करने से ना आपको बाइक को चलाने में जो मज़ा है या फिर आप लोग कह सकते हो कि थोड़ी जो इसकी राइड क्वालिटी है, जो पावर पहले बाद में आती थी अब वो पहले आ रही है, पहले लो एंड टॉर्क पर पिटती थी अब लो एंड टॉर्क पर अच्छा काम, तो आपको उन चीजों के अंदर ना एक बहुत बढ़िया डिफरेंस फील होगा, जिस वजह से आपको ऐसा फील हो सकता है कि हाँ भाई ये ओल्ड ड्यूक से तेज भाग रही है। बट अगर मैं BS4 वाली ड्यूक से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है सेम भागेंगी, दोनों इक्वल भागने वाली है। इससे जो अपनी डुकासूर है इसके साथ BS6 वाली के साथ मुझे लगता है उससे शायद वो पीछे भी रह सकते हैं, और बाकी सारा खेल रहता है भाई राइडर टू राइडर कौन राइडर कितना अच्छा चला रहा है। मैं इसकी ना ब्रेकिंग में भी टेस्ट करना चाहता हूं कि मतलब ब्रेकिंग में कितना डिफरेंस आता है राइडिंग मोड चेंज करने के बाद। चलो राइडिंग मोड चेंज करने के बाद मैंने मान लिया पावर में डिफरेंस आ जाता है, बट ब्रेकिंग में क्या डिफरेंस है? जैसे मैं बार बार ही ऐसे लगा रहा हूँ ना ब्रेक, तो ABS ने तो किक इन नहीं करा है, एक बार ही कर रहा है, ऐसे बार बार दबाने पर ऑब्वियसली ABS किक इन करता है। यू टर्न मार लेते हैं, हाई स्पीड पे देखता हूँ क्या, हाई स्पीड इन द सेंस 60-70 पे देखता हूँ। एकदम मस्त वाली बाइट आ रही है, जो मेरी फेवरेट होती है ट्रैक मोड पे तो मस्त आ रही है 60-70 पे। यही सेम चीज़ एक बार रेन मोड पे और स्ट्रीट मोड पे चेक करता हूँ, ट्रैक मोड पे तो मस्त है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब इसको मैं लगाता हूँ यहाँ से मोड नंबर 2, यानी कि चलो रेन पे देखते हैं। एक तो रेन मोड पे मर जाती है बिल्कुल, वैसे ब्रेकिंग तो ऐसा मुझे इतना डिफरेंस लग नहीं रहा है, ब्रेकिंग में सेम सी ही फील हो रही है ब्रेकिंग, मेन डिफरेंस एक्सेलरेशन में आ रहा है, ब्रेकिंग तो सेम ही लग रही है। क्योंकि जैसे सुपर बाइक्स होती हैं उनके अंदर जब आप लोग उनके राइडिंग मोड्स वगैरह चेंज करते हो ना तो उनमें पावर के साथ साथ ब्रेकिंग में, और BMW जैसी ब्रांड में तो मुझे लगता है शायद उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन है उसके अंदर भी चेंज आता है। बट इस बाइक के अंदर जितना KTM ने दिया मुझे लगता है कि ब्रेकिंग सिमिलर है और बाइट वगैरह बाइक अच्छा दे रही है, ABS किक इन नहीं कर रहा है। तो भाई देखो इस बाइक के अंदर हमने आफ्टर मार्केट क्रूज कंट्रोल भी लगा दिया था, देखो मस्त अपना चलती रहेगी बिना किसी दिक्कत के। तो भाई देखो रेन मोड पे अगर ब्रेकिंग की बात करी जाए तो ब्रेकिंग मुझे सिमिलर लग रही है। अभी इसकी मेन ब्रेकिंग हल्की सी 70-80 की स्पीड पे टेस्ट करूंगा इसको मैं ट्रैक मोड पे चलाते हुए। एक तो रेड लाइट आज इतनी ज़्यादा मिल रही है ना, जौन सी पे जाओ वही रेड वही रेड वही रेड। फाइनली 140 सेकेंड वेट करने के बाद अब भाई मैं चला रहा हूँ उसको ट्रैक मोड पे। ब्रेकिंग आर सिमिलर, ब्रेकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप इसके राइडिंग मोड वगैरह टॉगल करके भी चलाओगे तो आपको ब्रेकिंग सेम देखने के लिए मिलने वाली है। और ब्रेक्स बाइक की बहुत अच्छी है, नो डाउट टॉप नॉच है सेगमेंट के अंदर, 400cc में हमेशा से बोलता है भाई बेस्ट ब्रेक्स आपको देखने के लिए मिलते KTM के अंदर। तो सेम थिंग गोज़ विथ KTM ड्यूक 390 जनरेशन 3।
तो ये इसके तीनों मोड है, तीनों मोड के अंदर मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, कैसे पावर डिलीवर करती है वो बता दिया, और कौन से मोड पे कब चला सकते हो यूजुअली नाम से समझ में आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रीट मोड पे चलाओ, सिटी पे या हाईवे पे, अगर भगाने का मन है तो ट्रैक डाल लो, और अगर थोड़ा फ्यूल सेव करने का मन है तो आप रेन पे भी चला लो जहाँ थोड़ी पावर कम आएगी, क्योंकि मन करता है ना थ्रॉटल खींचने का, बट रेन मोड पे चलाओगे तो सिस्टम ही थ्रॉटल नहीं खींचने देगा, तो वहाँ पे आपका थोड़ा जो एवरेज है वो बढ़ सकता है, और बारिश के टाइम पे तो यूजुअली रेन मोड पे चलाना है। ठीक है, इस वीडियो को इसी नोट पे एंड करते हैं, अगर बढ़िया लगा हो, तीनों मोड्स वगैरह समझ में आ गए, कैसे कौन सा मोड वर्क करता है, वीडियो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।